हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूँ ऋषभ। दोस्तों, जैसा कि आपने डिमांड किया था कि आप मैथ्स के भी इस प्रकार से सेट बनाएं जैसा कि मैंने फिजिक्स के लिए बनाया था, तो देखिए मैं उसी सेट नंबर वन के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस सेट का जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना है। और मैं जितने भी सेट्स डालता हूँ इस चैनल पर, आप सभी को देखना है। यानी कि कहने का मतलब कि मैं जितने भी सेट्स करवा रहा हूँ उसको आप लास्ट तक देखते हो तो इन लास्ट आपका हर एक टॉपिक जो आपका कमज़ोर है आप महसूस करते हो, मजबूत हो जाएगा। मैं इसी प्रकार का सेट फिजिक्स में भी डालता रहूँगा। अभी तक मैं फिजिक्स में 9 सेट डाला हूँ, आप देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लास्ट में इसे शेयर भी कर देना। अभी वीडियो को देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि मैं क्या करूँगा इस वीडियो सीरीज में, यानी सेट नंबर वन में, मैं हर चैप्टर से कुछ एक दो क्वेश्चन लूँगा और इसके साथ आपका एक टॉपिक वाइज भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो सेट के साथ साथ टॉपिक वाइज प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है, देखिए मैं समझाता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर वन मैंने ट्रिगोमेट्री से लिया है, और ट्रिगोमेट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए, अगर चाहे वो एनडीए की बात करूँ, एयरफोर्स, नेवी, किसी के लिए भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉट 2 थीटा माइनस साइन, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं अल्फ़ा है, तो आप इसे अरेंज कर लेना उसी तरह, थीटा या अल्फ़ा कोई मतलब नहीं है उससे। और कॉस 2 अल्फ़ा, और ऊपर क्या दिया गया है, इसका स्क्वायर है और -1 यहाँ दिया गया है। हाँ ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, आप क्वेश्चन जैसा देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था ट्रिगोमेट्री वाले वीडियो में जो मैंने डाला था, उसमें इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे आप एकदम ट्रेडिशनल मेथड से तो आपको मोर देन 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। तो करना क्या है, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट क्या है 90 डिग्री। इन सभी पे आपको साइन कॉस टेन सेक या कॉस सेक कॉट जितने की वैल्यू होती हैं आपको याद होगा। मैं ट्रिगोमेट्रिक टेबल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सभी का वैल्यू याद है तो आप किसी भी वैल्यू को उठाइए और यहाँ डाल दीजिए। आपने क्या डाला, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 जैसे आपने लिया, क्या आ गया, साइन 45 इंटू 290। साइन 90 क्या होता है, 1, और 1, और यहाँ पे कॉट 90 0, और इसका स्क्वायर आप जैसे कर दोगे और यहाँ पे क्या आया, 1 1, तो गिवन है। और यहाँ कॉट 90 क्या होता है, देखो कॉट 90 होता है 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और कॉट, और यहाँ पे क्या है कॉस 45 गुना 90, यानी कॉस 90 भी 0। ऊपर से क्या आ रहा है 0/0, इसे क्या ही बोलते हैं हम, इन्फिनिटी। 0/0 को हम इन्फिनिटी लगभग बोल सकते हो, तो यानी कि अनडिफाइंड आ गया। आप क्या करोगे, हर ऑप्शन में आप थीटा को 45 डालोगे, जहाँ से इन्फिनिटी आ गया वही आंसर होगा। तो आपको देखना है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हो टेन 90 होता है इन्फिनिटी, तो टेन यहाँ पे क्या है 2 थीटा, अल्फा या थीटा से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। थीटा की जगह पे 45 डालो, यहाँ से क्या है टेन 90, और टेन 90 को ही क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, यहाँ से भी इन्फिनिटी, यहाँ से भी इन्फिनिटी, तो आंसर हमारा डी के साथ चला जाएगा। आप अगर बोलोगे कि मैं यहाँ पे 45 ही कैसे मानूँ, कैसे पता कि यहाँ 45 से आंसर आएगा, तो आप किसी को भी लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपका एक के साथ दो आंसर आ सकता है, ए भी सही हो जाएगा, कहीं कहीं डी भी सही हो जाएगा, लेकिन जो सही होगा वो सही ही होगा। तो आप यहाँ पे 30 से चेक करना वीडियो पॉज करके, 45 से तो मैंने बता ही दिया है, 60 पे चेक करना, 90 पे चेक करना, और देखना कि हर जगह से आंसर हमारा डी ही आएगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, करना कुछ नहीं था, लेकिन आपको ये ट्रिगोमेट्रिक टेबल मैंने समझाया है उसे आपको हर हाल में याद रखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर टू भी मैंने ट्रिगोमेट्री से ही लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, विच इज़ लार्जर, यानी कि इसमें बड़ा कौन है, विच इज़ लार्जर, इसमें बड़ा कौन है। यहाँ पे दिया गया क्या है, साइन 26 डिग्री डिग्री में है, और क्या है कॉस 66 यहाँ पर 26 डिग्री। देखिए होता क्या है कि जब साइन और कॉस के बीच में जब एंगल का डिफरेंस बहुत ही कम हो या थोड़ा अधिक हो, जैसे यहाँ पे क्या होता कि कॉस 26 रहता है, यहाँ पे कॉस 27 है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है थीटा के बीच में, तो निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आप साइन 26 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, पता नहीं होगा आपको। करना क्या है, मैंने आपको एक नहीं कई बार ये टेबल बताया है, शायद आप जानते भी होंगे, अगर साइन और कॉस में कहीं भी कंपेरिजन रहे, यानी कहीं भी तुलना रहे, तो करना कुछ नहीं रहता है, क्या डिग्री 0 डिग्री यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 45। देखिए 90 को मैंने बाइसेक्ट किया, क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है 180 और 270, इसे मैंने आधा आधा बांटा तो क्या आया 225 डिग्री। तो देखिए क्या होता है, 225 से लेकर 45 तक कॉस थीटा क्या होता है ग्रेटर देन किसके,
साइन थीटा के, और इससे ऊपर यानी कि 45 से लेकर 225 तक साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, ये बात आप जानते हो। देखिए अब 26 डिग्री कहाँ पे होगा, 45 से पहले, यानी कि देखिए यहाँ पे 45 है, इससे पहले होगा यानी इस क्वाड्रेंट में, इस रीजन में होगा। तो मैं मान लिया कि यहाँ पे 26 डिग्री है और इसमें बड़ा कोण है कॉस थीटा। जब कॉस थीटा बड़ा है इस रीजन में तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 26 ग्रेटर देन साइन 26। अब काफ़ी आसान हो चुका है। आपसे अगर पूछा रहता साइन 91 और कॉस 91 के बीच में, पूछता कि इसमें बड़ा कोण है छोटा कोण है या बराबर है, तो आप जानते हो कहाँ पे 90 यहाँ पे है, तो इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे होगा 91 और इस क्वाड्रेंट में यानी इस रीजन में साइन थीटा बड़ा होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब साइन और कॉस में जितना भी कंपेरिजन है आप इसी मेथड से निकाल सकते हो, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हर साल 2 या 3 क्वेश्चन NDA में और 1-2 क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में पूछे ही जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा गया है, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी। अब पूछ क्या रहा है, ऑप्शन को पढ़ना है, पूछ क्या रहा है कि जो ये डिटर्मिनेंट है, ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, एक परफेक्ट स्क्वायर है या 0 आएगा। इसे आपको सॉल्व करना है, लगेगा काफ़ी टाइम, तो करना क्या है कम टाइम के लिए, मैंने आपको बताया है डिटर्मिनेंट वाले वीडियो में, आप देख सकते हो। ए को मान लो 1, बी को मान लो 2 और सी को मान लो 3। आप क्या किया, जितने वेरिएबल उसे आप किसने कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या है यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 2 3 1 और 3 1 2। इसे सॉल्व कर लेना है, इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए, नहीं तो ऐसा मानने से या डिटर्मिनेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता होगा। 1 को बाहर रखा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 5। 2 को माइनस के साथ बाहर रखेंगे तो 2 को जैसे बाहर रखा क्या है, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। और 3 को बाहर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 9 माइनस 7। यहाँ देखिए क्या आया, यहाँ पे -23 + 5 क्या रहा है, -18। -18 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है नहीं है, 0 है नहीं है, क्या है एक नेगेटिव नंबर है, एक ऋणात्मक संख्या है। तो इसका आंसर इसका बी, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब कहेंगे आप क्या कि यहाँ पे आपने 1 2 3 माना, आंसर आ गया, ठीक है मैं यहाँ पे 5 6 7 मानूँगा। 5 6 7 मानते तो वहाँ से भी आंसर क्या आता, माइनस में समथिंग आता, लेकिन आपका क्या कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। अगर आप यहाँ -1 -2 -3 भी मानते फिर भी आपका आंसर माइनस में आता। तो कहने का मतलब कि आप कोई भी डिजिट मान सकते हो, यहाँ पे आप 1000 2000 3000 ही मानते कुछ होगा नहीं, यही कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फाइनली आपका आंसर जो होगा वो बी ही आएगा, एक नेगेटिव नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने समझाया डिटर्मिनेंट को, आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिटर्मिनेंट का ही है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन मैंने डिटर्मिनेंट से लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको क्या लगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, कहीं भी वेरिएबल से कॉन्स्टेंट बदलेंगे, ए को माना 1, बी को मान लो 2, सी को मान लो 3, आप कोई भी नंबर मान सकते हो, 5 4 6 माइनस में भी मान सकते हो, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो आपने क्या किया कि इस वेरिएबल को आपने बदल दिया कॉन्स्टेंट में, ए प्लस बी की जगह पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 बी प्लस सी 5, सी प्लस ए 5। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ देखिए ए बी सी बी सी ए सी ए बी को भी मैंने 1 2 3 माना था, इसका वैल्यू क्या आया था, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो या यहाँ देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में -18 आया था ना, इसको सॉल्व करने पे -18 आया था। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आया, -18 × k, इसका वैल्यू -18 आएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है आपको। इसको सॉल्व कर लेना है, हम 3 को बाहर रखेंगे क्या आएगा, 20 माइनस 9 -5 होगा यहाँ पे, 25 - 12 और +4 यहाँ से होगा, तो 15 - 16 -1 आ जाएगा, 15 - 16 -1, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, 33, देखिए यहाँ से 11 × 3 33 माइनस
65 माइनस 4 और यहाँ से क्या आया माइनस 18 के है। ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ सॉल्व इसको करने पे आएगा माइनस 36 इक्वल टू माइनस 18 के। यहाँ से के इक्वल टू क्या आ गया 2, के इक्वल टू आ गया। देखिए आपने कितना कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर निकाले, ऑप्शन तो ऐसे सी आ जाएगा वो हमारी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या अलग करना है हर क्वेश्चन में, कहीं भी वेरिएबल दिखे ए बी सी को आपको ए 1 2 3 एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 या माइनस 3 भी एज्यूम करते आंसर ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग पे अपने कैलकुलेशन स्किल को ध्यान रखते हुए कि आप कितना जल्दी फास्ट कर सकते हो कितना स्लो कर सकते हो, आपको एज्यूम कुछ ना कुछ करना है और आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपको पढ़ना है पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा नल्ला, मतलब कि खाली। नल सेट का मतलब है जो खाली, यानी कि उसका एक्स बिलोंग्स टू, आप कहीं भी देखो एक्स बिलोंग्स टू अगर आ जाए 5, यानी कुछ नहीं, 5 मतलब कुछ नहीं, तो बोलते हैं नल सेट, यानी कि कुछ भी उसका मतलब है नहीं, यानी कोई वैल्यू नहीं निकल रहा है। हमारे पास से पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर है, रियल नंबर तो कोई भी ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और बोला है 4x² - 1 = 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, तो यानी कि x का वैल्यू तो कुछ आ रहा है, यानी कि नल सेट नहीं होगा, सेट का क्वेश्चन है। बी ऑप्शन देखिए क्या बोला है, x बिलोंग्स टू n और n क्या है ऑड, n क्या है ऑड, n को बोल रहा है ऑड, और x प्लस 3 क्या बोल रहा है इवन, क्या सही है। देखिए n ऑड है तो मैं मान लेता हूँ x को 3, ये भी तो ऑड है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और 6 क्या है इवन, तो सही बात है। तो बी ऑप्शन भी हमारा नल सेट नहीं होगा, तो सी ऑप्शन पे आएंगे अब। क्या बोला है x² < 3, क्या x² < 3 हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। आप x की जगह पे क्या मान लो, x की जगह पे आप मान लेना है 1 आपको, तो 1 का स्क्वायर क्या 3 के छोटा है, 1 का स्क्वायर देखो 1 जो है 3 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, 3 तो बड़ा होता है 1 से, तो ये भी नल सेट नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि x² < 0, यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे क्या 0 से छोटा होगा, नहीं छोटा होगा ना। आप यहाँ पर कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर उठा कर डाल दो, यहाँ पे माइनस 1 भी डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 ग्रेटर देन बोल रहा है, सॉरी 1 स्मॉलर देन 0 के, क्या 1 छोटा होता है 0 से, नहीं। आप यहाँ प्लस 1 भी डालते तो ये आंसर आता है, माइनस 5 डालो प्लस 5 डालो जो भी डालो, तो यहाँ से इसका कोई भी सोल्यूशन रियल सोल्यूशन तो नहीं आएगा, एटा के टर्म में आ सकता है कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन इमेजिनरी सोल्यूशन, लेकिन रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। और ये बोल रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर के केस में, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू एक्स का नहीं आएगा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू 5, और इसी को बोलते हैं क्या नल सेट। कोई सोल्यूशन आए तो बोलते हैं नल सेट, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिया है, और आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, -1 + √3 i / 2। और देखिए इस क्वेश्चन में आप कहो कि मैंने क्या लिखा दिया है, मैंने -√3 को माइनस हटाकर आयोटा लिख दिया है, यानी कि -√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना √3 i, वही किया है बस और कुछ नहीं। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपने जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, -1 - √3 i / 2। आप जानते हो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और आप एक रियल जानते होगे ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, और 1 + ω + ω² = 0। आपको यही दो रिजल्ट याद रखना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए, बस ओमेगा क्यूब 1 के, 1 + ω + ω² = 0। तो ये क्या है, ओमेगा का पावर 100 है, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर पावर 100 200। इसे ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा पावर 99 यानी ओमेगा पावर 99 इंटू ओमेगा, और ओमेगा पावर 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए 3 से डिवाइजिबल है, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, यानी ओमेगा 99 भी 1 होगा, तो यहाँ से बचा ओमेगा और यहाँ से क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। बहुत बेसिक सी बात है आपको समझने वाली, इसमें कोई सी बात नहीं है कि क्या समझ में नहीं आया मैंने इसे 1 क्यों लिखा। देखिए 3 से डिवाइजेबल होता है, यानी 3 से भाग लग जाए तो वहाँ पे ओमेगा क्यूब क्या है 1 है, तो ओमेगा 198 भी 1 होगा। और देखिए यहाँ से क्या आएगा, 1 + ω + ω² का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से ω + ω² का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, तो इसके जगह पे भी हम लोग क्या -1 डाल देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, आप इसे सॉल्व कर लिया होगा। और देखिए एक और बात कि मैं जब क्वेश्चन डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको स्क्रीन को वीडियो को पॉज कर देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। नहीं आया तो मैं तो बता ही रहा हूँ, तो पहले आप खुद से ट्राई कर लो उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 7 जो लिया है वो है सीक्वेंस एंड स्टिच का, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी बताए हैं। देखिए अब बोला है ए बी सी डी, ये किस में है, एच पी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो पूछ क्या रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी डी, यही क्वेश्चन है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर यही है, सी डी ये किसके इक्वल है। ऑप्शन दिया गया 3AC 3AD, करना कुछ नहीं है। मैंने फिर बताया कि वेरिएबल को बदलना है न्यूमेरिकल में, तो जानते हैं 1/1, 1/2 और 1/3, 1/D, 1/4, यानी कि ये किस में है, एच पी में है। क्वेश्चन जो बोला मैंने वो फिलफिल कर दिया है। ए का वैल्यू आया है 1/1, बी का वैल्यू है 1/2, सी को मैंने माना है 1/3 और डी को क्या मैंने माना है 1/4। ए बी का वैल्यू क्या आएगा 1/2, बी सी का वैल्यू आएगा 1/6 और बी सी ए सी डी कितना हो जाएगा 1/12। इसे सॉल्व करने पे कितना एलसीएम आएगा, 12, 6, 2 यहाँ से 1, 9/12, 3/4, ठीक है 3/4 आया। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 3AC, पहले ऑप्शन पे आया तो क्या बोल रहा है, 3AC, ए सी की जगह पे, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 1/3, क्या 1 यहाँ से तो 1 आया ना, तो 1 इक्वल टू 1/4 की है, नहीं है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बोल रहा है उसके बाद बी ऑप्शन 3AD, AD ए की जगह पे 1 और डी की जगह पे 1/4, यहाँ से आ रहा है 3/4, क्या 3/4 की इक्वल है, हाँ है, 2 तो 2 की इक्वल होता है ना, 1 1 की इक्वल होता है, तो जितना ये है यहाँ से वही आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल था। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कई सारे आपको करा रखे हैं, तो उसी के एक क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिल गया। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन से लिया है, और ये क्वेश्चन NCERT का है, अपने बुक में देख सकते हो। और इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को इंटीग्रेशन में वीक महसूस करते हैं, तो पहले NCERT को स्टार्ट करें। NCERT आप कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि NCERT काफ़ी आपके एग्जाम के लिए, और उसके बाद ही कोई अन्य बुक को हाथ लगाएं, जैसे कि पाथफाइंडर की बुक RS अग्रवाल का। तो NCERT से आपको पहले मैं समझता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग करनी चाहिए, अभी भी समय है, आप लगा सकते हो, थोड़े से उत्साह ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर कहीं भी इस प्रकार क्वेश्चन आए, यानी कहने का मतलब क्या, आपको इंटीग्रेशन में क्या करना था, टाइप करना पड़ता है कि कौन से टाइप पे कौन सा हम स्टेप फॉलो करें। तो कहीं भी अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का पावर आपको लिखना पड़ेगा, ये याद रखने के लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का पावर निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, यानी दोनों का सम, कहीं भी साइन थीटा आप लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा का पावर, पावर मैंने यानी पावर का सम निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, तो वहाँ पे करना क्या रहता है, उसे टैन थीटा में बदलना रहता है, यानी टैन थीटा को हमें टी मानना रहता है। आप इतना समझ गए, हमको टैन थीटा को टी मानना है, टैन थीटा को टी तभी मानेंगे जो टैन यहाँ पे होगा। देखिए क्या इसका पावर निगेटिव इवन इंटीजर है, देखिए ये ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा -2, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, दोनों का सम लिया क्या आ रहा है -4, पावर को हमको ऊपर ले जाना है सीधे, -2 पावर ऊपर जाएगा -2, दोनों का सम लिया -4, ये -4 क्या है, निगेटिव भी है और इवन इंटीजर भी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेन में बदल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना होगा, और आपको याद तभी रहेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो कैसे हम टेन बदल सकते हैं, देखिए यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा कॉस स्क्वायर एक्स से, देखिए जितना से मैंने मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किया, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से क्या आया अगले स्टेप पे, डी एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन गया, कॉस पावर 4x, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/cos क्या होता है सेक में, यानी कि सेक पावर 4x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। उम्मीद है समझ रहे हो क्या मैं कर रहा हूँ, 1/cos² कॉस पावर 4x को मैं क्या लिख दिया है यहाँ पे सीधे, सेक पावर 4x, बस इतना ही। मैंने टेन बदल लिया है, टेन कुछ भी मान सकते हैं, तो टेन एक्स को क्या मैं बोला हूँ मानने को, टी
इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, जो जो कुछ जब मानते हैं उसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि डी एक्स के टर्म में कर रहे हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जगह पर डी टी, यहाँ से एक सेक स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी, लेकिन एक सेक स्क्वायर तो रह जाएगा ना, पावर फोर है, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, आपको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद रखना होगा यहाँ पे, और टेन स्क्वायर एक्स जब हम क्या माने हैं, देखिए टेन स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो टी स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हो, टेन स्क्वायर को हमें टी स्क्वायर बोल सकते हैं, इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए अब ऊपर नीचे हम यहाँ भी क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर, यानी कि अब सबको टी बदल लेना है, वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी स्क्वायर, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, नहीं तो आंसर कब का आ गया रहता, तो वन अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ से क्या आया वन डी टी, वन अपॉन टी स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन सिंपली होता है, याद रखिए वन अपॉन टी और डी टी का टी, टी की जगह पर डाल देना है क्या आ जाएगा टेन, हाँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या है माइनस वन अपॉन टी प्लस टी, और इसका कुछ सम कांस्टेंट सी लिख देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो टेन को हमने क्या माना है, टेन को माना है टेन एक्स, तो यहाँ पर टी की जगह पर जैसे डालोगे क्या हो जाएगा टेन एक्स, और माइनस यहाँ पे वन अपॉन टेन क्या होता है कॉट, ए ट्रिगोमेट्री का आपको याद होना चाहिए, और सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप मैच कर सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन का ही है, तो इंटीग्रेशन के लिए पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना होगा, पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो, हाँ तो ये क्वेश्चन जो है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, इसका आंसर तो आपने बहुत सारे बुक में पढ़ा हुआ किया होता है इसका, कहीं भी हो तो बी माइनस ए बाई टू, यानी कि इसका आंसर पाई बाई फोर, आप जानते हो ट्रिक्स, लेकिन कैसे होता है आपको याद रखना होगा, अगर कहीं भी जीरो से लेकर पाई बाई टू, ऐसा नहीं कि जीरो से पाई बाई टू तक ही हो, अगर रहे कहीं भी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर इस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है, जी ऑफ एक्स क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए बी क्या है लिमिट है, इसको बोलेंगे ए इसको बोलेंगे क्या बी, क्या इसे फॉलो कर रहा है, आपको डालकर चेक कर लेना है, पहले एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स है, साइन एक्स है ऊपर रूट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट में साइन एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से जहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, यानी कि जीरो प्लस नाइन्टी माइनस एक्स, नाइन्टी माइनस एक्स साइन नाइन्टी माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, यानी फॉलो कर रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या होता है, कहीं भी इस प्रकार पैटर्न फॉलो करे डायरेक्ट याद रखो बी माइनस ए बाई टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी माइनस ए बाई टू, अपर लिमिट क्या है इसका पाई बाई टू, लोअर लिमिट जीरो दिया गया है, इसको टू से डिवाइड कर देना रहता है, आंसर क्या जाएगा पाई बाई फोर। इस प्रकार क्वेश्चन अपने बुक में देखोगे तो इसका ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर पाई बाई फोर आएगा, और जरूरी नहीं है कि इसका आंसर पाई बाई फोर आता है, अगर मैं क्वेश्चन आपको दूँ एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि अगर लिमिट जीरो से लेकर ए तक रहे रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स रूट के अंदर है, तो आपको तो बहुत यहाँ पे देखिए आपको तो बहुत सारे जगह बता दिया जाता है इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर यही होगा अगर जीरो से के 90 तक रहे तो बी माइनस से लगाएंगे, नहीं यहाँ देखिए क्या है एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे क्या है जी ऑफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो क्या होता है बी माइनस ए बाई टू, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए अपॉन टू। तो इस प्रकार से आप 5-7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसी ट्रिक पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है 10th, ये वीडियो क्लास भी क्वेश्चन है 10th नंबर, और ये क्वेश्चन मैंने स्टेट लाइन से लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे 8-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन पढ़िए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है वो पॉइंट यानी पॉइंट 3,4 से पास कर रहा है ठीक है, और बोला है एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे दो लाइन कट कर दे, तो ये लाइन जो है सो इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, यानी कि इस लाइन को आगे बढ़ाना होगा हमें, तो टू पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है लाइन का, आप याद रखो टू पॉइंट फॉर्म में y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू क्या है आपको समझना पड़ेगा, पॉइंट है तो एक पॉइंट तो हमें मिल चुका है और एक पॉइंट और निकालना है, वो किन पॉइंट के बीच का इंटरसेक्शन है, लाइन दिया गया हमारे पास 5x माइनस वाई इक्वल टू 9 का और x प्लस 6y इक्वल टू 8,
इन दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स वाई का वैल्यू आएगा, यहाँ से निकल जाएगा कुछ पॉइंट आएगा आपके पास यहाँ से, और यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू आ गया। यही क्या है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इसी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू को यहाँ पर डालना है और आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। फिर भी मैं बताता हूँ आपको, देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे। आपको इसे फाइव से मल्टीप्लाई करना होगा या ऊपर सिक्स से मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या किया, इसी में सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, थर्टी एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू नाइन इंटू सिक्स, क्या आएगा, फिफ्टी फोर। इसे आप क्या करना है, ऐड कर लो, क्योंकि सिक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसे ऐड किया, यहाँ से क्या आया, थर्टी वन एक्स इक्वल टू यहाँ पे सिक्सटी टू, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आया हमारे पास, टू। एक्स इक्वल टू टू आपको कोई ऑप्शन में डाल देना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइव इंटू टू माइनस वाई इक्वल टू नाइन, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, वन। तो यहाँ पे एक्स वन क्या आ गया, टू, वाई क्या आ गया, वन। अब इसी को डाल देना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन क्या आएगा, थ्री, अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्या आया, वन, और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है, टू। यही फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, यहाँ से वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सिक्स। तो इसे अरेंज कर लेना है, अब कुछ करना नहीं है। तो थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका सी ऑप्शन सही लग रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में समझना क्या था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो लाइन कट कर रहा है। तो मैंने दो लाइन कैसे निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही एक्स वन वाई वन को कोई क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसी को सॉल्व करना है, तो आपका इंटरसेक्शन निकल जाएगा। और इस पॉइंट से आपको टू पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखना है। इसका एक और मेथड होता है, आप उसे सॉल्व करके देखना क्या उससे भी आंसर सेम आ रहा है, एस वन प्लस लेमडा एस टू, यानी कि पॉइंट ऑफ फैमिलीज ऑफ लाइन इक्वल टू जीरो। इसे भी सॉल्व करके देखना, इसे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन फिलहाल आपको यही देखना है, इसी मेथड से सॉल्व करके देखना है। और मैं आने वाले दिनों में हर एक वीडियो में स्ट्रेट लाइन, एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का, एक क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का, और एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कंपलसरी रहेगा। तो 10-15 सेट्स के अंदर में आप अपने कोई भी वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया, एक से लेकर 10 तक, और आने वाले वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।